हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके सामने है चक्री का पर्दा। चक्री का पर्दा यह टांग में लगता है जो कि इस चक्री में लगा हुआ होता है। दोस्तों इस तरह से इसमें लगता है, इस तरह की चाल देने पर दोस्तों आपका टाका फाड़ना या फुल्ला देना शुरू कर देता है। दोस्तों बराबर चाल चाहिए तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों गंडेरी बदलने से भी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं गंडेरी इसमें एकदम फिक्स है। ये पुरानी गंडेरी है दोस्तों जो कि इस तरह से फिक्स है, लेकिन इधर और इधर जब ये गंडेरी चलती है दोस्तों तो चाल लंबी या कम होती है दोस्तों, जो कि ऊपर से दबाने से फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो गंडेरी बदलने से आप इस तरह से जब चलती है अगर चाल का अंदाज नहीं लगा सके, इस साइज को देख सकते हैं, लेकिन काटने के बाद में जो कि इस साइज को कम करना होता है दोस्तों, दोनों तरफ से अगर ये साइज आपने कम कर ली है तो दोस्तों चाल फुल देगी, और मशीन अगर आप कम चाल में या बारीक काम में बनाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे दोस्तों, उससे ये गंडेरी बेकार हो जाएगी। अब पुरानी गंडेरी आपके पास में जो कि पहले से मशीन में चल रही थी, आप ये चक्री नहीं बदलना चाहते, जो कि ये पूरा सेट होता है दोस्तों, जो कि बहुत कम लोग कर पाएंगे दोस्तों, कुछ लोग कर भी लेंगे लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ दोस्तों। इस तरह से ये देखिए दोस्तों, इसमें चाल सही दे रही है लेकिन फुल्ला दे रही है मशीन, जो कि टाका फाड़ना या बराबर टाका ना देना, छोटा बड़ा टाका आना कहलाता है दोस्तों, उसे फुल्ला देना कहते हैं। अभी आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। अभी ये पत्रा आपका पुराना है, इस मशीन में ये पत्रा एकदम साफ सुथरा है दोस्तों, लेकिन इसमें भी ये लगने के बाद में हल्की फुल्की चाल हो गई है। तो अब इसको सुधारना कैसे है दोस्तों, इसके लिए आपको एक फनर का टुकड़ा चाहिएगा दोस्तों। फनर का टुकड़ा दोस्तों इसके दोनों तरफ लगाएं और तार से बांध लें दोस्तों। दोस्तों फनर का टुकड़ा लगवाने के बाद में आपको यहाँ से इधर वेल्डिंग कराना, थोड़ा सा इधर से वेल्डिंग कराना दोस्तों, थोड़ा सा इस तरफ से, थोड़ा सा इस तरह से कराना दोस्तों, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको लाइव एकदम इसका तरीका बता दूंगा दोस्तों। फिर ये दोनों तरफ से मोटा हो जाएगा दोस्तों। फनर या आरी का टुकड़ा लगाने से दोस्तों इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ने के बाद में दोस्तों दो फायदे हैं, एक तो ये चल चल के एक तरफ से घस जाता है, एक तरफ से मोटा रह जाता है। फनर का टुकड़ा लगने के बाद में बरोबर हो जाएगी दोस्तों इसकी साइज, जो कि घस के आप आराम से इसको बैठा सकते हैं दोस्तों। कई बार आप पर्दा बदल के इसको डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्दे में अब यहाँ से आ गया है और यहाँ तक नहीं आ रहा था दोस्तों, फिर इसका टेम्पर उतारना पड़ता है दोस्तों आपको। टेम्पर दोस्तों पुर्जे को एकदम लाल करके पटास दे के किया जाता है, और दूसरा तरीका इसको बिल्कुल लाल गैस से कर लिया जाए और ऑयल में डुबो दिया जाए, जिससे कि थोड़ा धुआं होता है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा टेम्पर आ जाता है दोस्तों। दोस्तों टेम्पर उतारना या वापस टेम्पर करना, पुर्जे को अगर आप वेल्डिंग भी करवा रहे हैं तो पुर्जा लाल होता है दोस्तों, लाल होने से टेम्पर उतर जाता है, जो कि वापस टेम्पर करने के लिए पटास की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं है दोस्तों, उसका भी अपना एक कारण है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा। इसने दोनों तरफ से पर्दा लगाने के बाद में इस चक्री में नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी हुई है कि आप रेती जो कि पॉलिश की रेती कहलाती है दोस्तों, उससे हल्का हल्का साफ कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से साफ होता है दोस्तों। फनर फ्लेक्सिबल होता है, उसके अलावा कच्चा भी होता है। जब आप इसको इसमें आगे से पीछे तक एकदम सेट कर लें दोस्तों, फनर लगाने के बाद में वेल्डिंग करा के फनर इसमें आराम से लग जाता है दोस्तों, और उसकी पकड़ भी होती है दोस्तों। पीतल का वेल्डिंग रखें, ध्यान रखें, क्योंकि पीतल इसको टेम्पर जब आप करते हैं तो उखलता नहीं है दोस्तों, छूटता नहीं है दोस्तों, लोहा छूट जाता है, जिससे कि आपका फनर का टुकड़ा वापस उखल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे की वीडियोज़ में इसको मैं लाइव करने का तरीका बताऊँगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया हुआ उन्हें नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। थैंक यू दोस्तों।